जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वांड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। आज की जो ये रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि आपका जो मित्र है वो एक सच्चा मित्र है या एक फेक फ्रेंड है, एक झूठा दोस्त है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, ब्लैक स्टोन और एक है ये ब्लू स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट करें, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो और आपका जो भी फ्रेंड है उसके बारे में आप सोचें, आइज़ क्लोज करें, उसके बारे में सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और उसके बाद आप आँखें खोलें और इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया है उनका जो भी मित्र है क्या वो एक जेन्युइन फ्रेंड है या वो है एक फेक फ्रेंड। चलिए जानते हैं। द हायरोफेंट कार्ड आया है आपके दोस्त के लिए। बहुत ही कंट्रोल्ड है आपका दोस्त, मतलब ये कह सकते हैं आप, ये जो पर्सन है इसका अपने माइंड पे, अपनी बातों पे, अपने नेचर पे, स्वभाव पे बहुत कंट्रोल है। बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सन ये है। तो जो पर्सन इतना स्पिरिचुअल है क्या उससे आपको डेंजर है? नहीं। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, ये पर्सन आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन ये आपको देगा, आपको हर मुश्किल सिचुएशन में ये पर्सन हेल्प करेगा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पर्सन की। ये शांत भी है, ये क्रोधित भी है। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है इसकी और बहुत ही शांत पर्सन भी है। मतलब अगर ये प्यार से बात कर सकता है तो ये गुस्से से बात भी कर सकता है। दोनों चीज़ें इसमें हैं। बहुत ही अच्छा ब्लेंड है इस पर्सन का। कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन गुस्सा भी होता है लेकिन ये शांत भी है। तो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने आप पर। और अगर हम ये देखें कि क्या आपसे ये नाराज़ है, तो ये आपसे नाराज़ नहीं होता है। ये जब आपसे इसकी अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उस समय ये पर्सन अपने आप पर फोकस करता है और अपने आप को और ग्रो करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज़ है तो ये आपके अगेंस्ट कुछ कहेगा किसी से या कुछ भी। तो ये आपके बारे में गलत नहीं बोलता, गलत नहीं सोचता। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो भी ये पर्सन अपने आप में चिंतन करता है, मनन करता है और चीज़ें सोचता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड है इस पर्सन का और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड ये आपका है और ये आपको कंप्लीट करता है। मतलब ये पर्सन आपको, यहाँ सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप एक दूसरे को लाइक करते हैं तो यहाँ पर ये सोलमेट कनेक्शन है क्लियरली। तो आप दोनों एक दूसरे की पावर हैं। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिना यहाँ पर इनकम्प्लीट लग रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ब्लैक स्टोन, जानते हैं कि आपका जो फ्रेंड है क्या कनेक्शन है आप दोनों का, क्या आप उस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आपका जो भी फ्रेंड है क्या वो ट्रस्ट के लायक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टिस आया है आपके फ्रेंड के लिए। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है कि जो भी ये फीमेल है या मेल है ये वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे द मून कार्ड भी आता है साथ में। कहने का मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप पे हमेशा कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा हावी रहती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो हाई प्रिस्टिस है, यहाँ पर देखिए दो लोग दिख रहे हैं, एक हाई प्रिस्टिस दिख रही है और एक ये डेविल दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप हाई प्रिस्टिस हैं और जो डेविल है, डेमोनिक एंटिटी है, ये आपका वो मित्र है। और यहाँ पर क्योंकि द मून कार्ड आया है तो ये इसको कंफर्म करता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपका ये मित्र है इसके आपकी तरफ इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे और आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए आप इसके इंटेंशंस को सही समय पर जान जाते हैं। क्योंकि द मून कार्ड है तो ये इल्यूजन बना के रखता है आपके सामने। तो यहाँ पर आप जितने स्ट्रांग हैं, आपको जितनी पावर है, तो आप इजिली पता लगा लेते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस कैसे हैं। तो जो भी ये पर्सन है इसकी इंटेंशंस पे आपको यहाँ डाउट है और यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करता है ये पर्सन, जिससे कि आप इस पर्सन के बारे में गलत ना सोचें, अच्छा सोचें। तो जो भी ये पर्सन है इसकी एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। यहाँ पर कार्ड आया है द हर्मिट कार्ड। जैसा कि मैंने कहा कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, वैसा यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आपकी जो स्ट्रांग एनर्जीज हैं, आप इस पर्सन के इंटेंशंस को पहचान जाते हैं,
लेकिन जो भी ये पर्सन है इसके इंटेंशंस यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा मित्र है, देखिए यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अचानक आपको धोखा दे दे, मतलब आपके आपसे कहे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर जाए। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ये आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अवॉइड करें इस पर्सन के साथ कोई भी दोस्ती, और अगर आप फिर भी सोचते हैं कि नहीं ये आपका फ्रेंड है तो आप यहाँ पर फिर भी थोड़ा अलर्ट हो जाएं। और देखिए यहाँ पे फूल्स कार्ड आया है आपके लिए, तो मैं यही कहूँगी कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लेना। हो सकता है कि अचानक से या तो आपका ये मित्र खुद भी मुसीबत में जाएगा और आपको भी लेके जाएगा, क्योंकि द फूल्स कार्ड है, एक रॉन्ग डिसीजन ले सकता है ये पर्सन। यहाँ पर मैसेज है ये पर्सन आपको कभी भी अचानक से धोखा दे सकता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको आपके इस मित्र के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी दिख रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपके लिए नुकसान देने वाला हो। और यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो टावर कार्ड हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे द मून कार्ड है, ये सब नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे डेविल भी दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका ये दोस्त आप पे ब्लैक मैजिक भी कर रहा है या ईविल आई है बहुत स्ट्रांग। क्योंकि जो ये पर्सन है, यहाँ पर आप देखिए डेविल है, यहाँ पर ये टावर है, एक खंडहर दिख रहा है, और यहाँ पर द मून कार्ड है जो यहाँ पर इल्यूजन को दिखाता है, ब्लैक मैजिक को दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि जो भी आपका ये मित्र है ये आप पर ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये पर्सन ट्रस्टेबल तो है ही नहीं, ऊपर से यहाँ पर डाउट है कि ये पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन आप यहाँ काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दी हाई प्रिस्टेस आए हैं, यहाँ माँ काली का रूप आपका यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन आपका नुकसान तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ानी होगी और ऐसे मित्र से दूरियाँ बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो यही मैसेज है आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। इट्स मेंशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत।